दूसरे राज्यों के कारों की चोरी और सीजिंग की आड़ में गड़बड़ी की आशंका के बीच उज्जैन पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई के बाद दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लिए वाहनों की कंपनी से संपर्क कर इंजन और चेचिस नंबर के आधार पर डीलर्स से वास्तविक मालिक का पता लगाया जाएगा। इधर पुलिस टीम आरटीओ की टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा जब्त महाराष्ट्र व गुजरात पासिंग 253 कारों से अधिकांश के पास दस्तावेज डीलर्स के पास नहीं मिले हैं। उज्जैन पुलिस से संभवत है कि प्रदेश में पहली बार सेकेंड हैंड गाड़ियों के बिजनेस की जांच करते हुए महाराष्ट्र व गुजरात पासिंग की 253 कारें जब्त की है और यह गाड़ियां शहर में संचालित कार बाजार में बिकने के लिए आई हुई थी। उज्जैन शहर के 5 थाना क्षेत्र में 21 जगहों पर लगने वाले कार बाजार में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है, जिसमें आईपीएस एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन में 3 सीएसपी 6 थाना प्रभारी सहित टीम बनाई गई है और पुलिस टीम के साथ ऑटो कार डीलर्स के साथ यहां पर दबिश दी गई, जिसके बाद ऑटो डीलर्स में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार शाम तक अधिकांश अन्य राज्यों की गाड़ियों ने पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, जिससे कि उज्जैन समेत महाराष्ट्र व गुजरात आरटीओ से भी पुलिस से संपर्क कर गाड़ियों के दस्तावेज व तकनीकी जांच में मदद मांगी है। टेक्निकल टीम ने सभी गाड़ियों के नंबर व चेचिस नंबर के आधार पर जांच की कार्यवाही की जा रही है और एएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि निश्चित रूप से गड़बड़ी तो है, लेकिन सभी गाड़ियों की डिटेल वेरीफाई होने में 1 से 2 दिन लगेंगे और कई तकनीकी बिंदुओं पर भी टीमें काम कर रही है। एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा सहित टीम ने बुधवार देवास रोड व दताला मताना इंदौर रोड महामृत्युंजय द्वार सावरखेड़ी सिंहस्थ बाईपास व बागनकर ब्रिज के समीप बड़े गैरेज संचालकों के यहां पर दबिश दी है। यहां पर भंगार में जो गाड़ियां मिली थी उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र व गुजरात पासिंग की थी। गैरेज मालिक पुलिस से संबंधित गाड़ियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए और न ही उनके पास गाड़ियों के दस्तावेज व रिकॉर्ड मिले हैं और उन्हें भी 24 घंटे के भीतर स्क्रैप में रखी गाड़ियों की जानकारी उपलब्ध कराने की चेतावनी दी गई है। क्योंकि आई थी कि प्रदेश के बाहर के से कुछ गाड़ियां लाकर, जिसमें कुछ चोरी की गाड़ियां हो सकती हैं और कुछ इनके कागजों में हेरा फेरी करके यहां पे कम कीमत में बेचा जा रहा है। इस आधार पे हमने पूरा एक सर्वे कराया था और हमने 21 ऐसे ऑटो डील जो सेकंड हैंड गाड़ियों में डील करते हैं उनको चिन्हित किया था। सर्वे के पश्चात जब हमने ये पुख्ता हो गया कि यहाँ कुछ गाड़ियाँ जो एक अनुमानित संख्या है उससे ज़्यादा दूसरे प्रदेशों की हैं, उस पर हमारी एक एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें 3 सीएसपी और 6 टीआई और बाकी स्टाफ था। उन लोगों ने एक साथ परसों इसमें दबिश दी थी और हमने 253 गाड़ियां इस तरह की चिन्हित की हैं कि जिसमें उनके पास उनके ओरिजिनल कागजात और नहीं है और कुछ प्रथम दृष्टया वो संदिग्ध लगे हैं। हमने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं कि इसके संबंधित डॉक्यूमेंट, आपके पास ये गाड़ियां कहां से आई हैं, ये वेरिफिकेशन चल रहा है। साथ ही साथ हम बाकी आरटीओ और उनके माध्यम से भी कुछ जानकारियां जुटा कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो कुछ चीजें इसमें अनियमित पाई गई हैं उसमें ये आया है कि कुछ फाइनेंस की गाड़ियां हैं जिनको वो फेक एनओसी और जो आरटीओ का जो एनओसी है उसके माध्यम से बेच रहे हैं। अभी हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है, अगले 1-2 दिन में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी।